टीएनपी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बोले राहुल गांधी, उनके जैसे पीएम की कमी महसूस कर रहा हूं। 26 सितंबर 1932 को जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह अपनी सादगी के चलते देश के अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग है। दीपिका से होगी ड्रग्स मामले में पूछताछ, एनसीबी करेगी जांच। रिया के बाद कई बड़े नामों का हुआ है खुलासा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। एनसीबी जांच में जुटी है। शुक्रवार को एनसीबी ने रकुल प्रीत से पूछताछ की है। टीम इंडिया के कप्तान सुनील गावस्कर गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पर भद्दी टिप्पणी करके विवादों में फंस गए हैं। अनुष्का ने ट्वीट कर सुनाई है खरी खोटी। माँ बाप के साथ खेत गई थी 8 साल की मासूम, मगरमच्छ ने बनाया निवाला। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस टीम ने काफी खोजबीन के बाद मासूम का शव किया बरामद। प्रदर्शन में शामिल हुई हिमांशी खुराना, बोली सरकार किसानों के साथ नजर नहीं आ रही है। पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ भी किसानों की सपोर्ट में दिखे हैं। वहीं बिग बॉस की फेम हिमांशी खुराना विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को फिर शिकस्त मिली है। दिल्ली कैपिटल ने 44 रन से हराया है। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए थे 175 रन। वहीं चेन्नई की टीम 7 विकेट खोकर महज 131 रन ही बना सकी है। दक्षिण पूर्व एशिया देश कंबोडिया में चूहे को दिया वीरता पुरस्कार। चूहे ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया में 15 लाख वर्ग फीट के इलाके को बारूदी सुरंग से मुक्त बनाने में मदद की है। यह बारूदी सुरंग 1970 से 1980 के दशक में थी। यूक्रेन में सेना का विमान क्रैश, 22 की मौत, 4 लापता। सेना के क्रैश हुए विमान में चालक दल के सदस्य समेत कुल 28 लोग सवार थे। लैंडिंग के समय विमान में आग लग गई थी। यूएन में भाषण के दौरान इमरान खान ने लगाए आरोप, भारत ने किया बायकॉट। वहीं यूएन में जब पाकिस्तान के पीएम ने अपना संबोधन शुरू किया तो भारत ने इसका बायकॉट कर दिया। इस दौरान यूएन जनरल असेंबली हॉल में मौजूद भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने वॉकआउट कर दिया। टाटा की नेक्सॉन भी टॉप 5 वेस्ट सेलिंग यूएसबी की लिस्ट में हुई शामिल। इस कार की 13,159 यूनिट बिकी हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और कंपनी के सिस्टर ब्रांड किया को भारतीय बाजार में शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। ह्यूंडई ने हाल ही में ह्यूंडई क्रेटा और किया ने सोनेट लॉन्च की है। दोनों ही कारों को भारत में शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। और अधिक खबरों के लिए डीएनपी चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करें, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।